यहाँ पर आप कस्टमाइज स्पीड लेथ देख रहे हैं और इनके पीछे की इंजीनियरिंग समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए ये हैंड व्हील है और यहाँ पे ऊपर वर्कपीस के अंदर बेसिकली स्लॉट कट किया जा रहा है। इस हैंड व्हील से आप देख सकते हैं किस तरह से वर्कपीस को क्लैंप किया जाता है और अनक्लैंप किया जाता है। ये अलग से फिक्सर लगाया हुआ है इस मशीन के ऊपर और ये बिल्कुल सिंपल मशीन है। ये वर्कपीस को क्लैंप कर दिया और यहाँ पर ड्रिल लगा हुआ है। ड्रिल से बेसिकली आप जो टूल है उससे आप स्लॉट कट कर रहे हैं। ये बहुत हाई स्पीड पर रोटेट हो रहा है और उससे आप स्लॉट कट कर रहे हैं। ये हार्डवुड है और इस तरह से आपने वर्कपीस को लगा दिया। लगाने के बाद ये जो आपका फिक्सर है उसको मूव कर रहे हैं और मूव करने से आपका पूरा जो स्लॉट है वो टीवे बन जा रहा है। ये वर्कपीस को क्लैंप किस तरह से किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं पिक्चर बहुत अच्छे से। वो हैंड व्हील है, हैंड व्हील से बेसिकली क्लैंपिंग और लूज़ करने के लिए वर्कपीस को लूज़ करने में काम आ रहा है। और ये देखिए ये इस तरह से बन जाता है इसमें कीवी। ये होल होता है और होल को फिर कीवी में चेंज कर दिया जाता है। ये व्हील है, इस व्हील से बेसिकली हैंड व्हील है, इसे आप टाइट करते हैं लूज़ करने के लिए। ये पूरा कीवी बन के तैयार हो गया और यहाँ पर इसको क्लैंप कर दिया है। क्लैंप करने के बाद आप देखिए नीचे लीवर है, इस नीचे वाले लीवर से बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो आपको फिक्सर है ये आगे पीछे हो रहा है जिससे आपका पूरा कीवे बन रहा है। तैयार हो गया है और ये दूसरा वर्कपीस आपने क्लैंप कर दिया है और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दिया और दो फीड प्रोवाइड करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो उनके लिए दो अलग अलग लीवर्स लगे हुए हैं। एक लीवर ये है अभी जो आप देख रहे हैं नीचे और एक लीवर ये है। तो ये लीवर क्या करता है और आगे पीछे करने के लिए, ये देखिए इस तरह का पूरा कट गया। ये हैंड व्हील से कस दिया आपने और जब इसको हैंड व्हील को घुमाएंगे तो ये पूरा ऊपर नीचे होता है जिससे वर्कपीस को क्लैंप और अनक्लैंप में काम आता है, लूज़ या टाइट भी बोल सकते हैं। ये कस दिया है आपने और ये देखिए ये वाला हैंड व्हील है, ये वाला जो लीवर है, इस लीवर से बेसिकली ये जो पूरा टूल पोस्ट वर्क पीस जिस पर क्लैंप है फिक्सर वो आगे पीछे होता है इसके अलावा इस तरह से, इससे आगे पीछे करने के लिए है। और वो जो आप लीवर देख रहे हैं उस लीवर से बेसिकली ये जो पूरा हेड है ये इस तरह से आगे पीछे होता है। ये देखिए ये इस तरह करने के लिए और ये वाला आपका इस तरह से करने के लिए है। ये पावर ट्रांसमिशन का आप मैकेनिज्म देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। मोटर है, मोटर से आप डायरेक्ट पुली में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये पुली है बेल्ट ड्राइव के थ्रू और यहाँ पे पेडेस्टल बेयरिंग लगी हुई है। पेडेस्टल बेयरिंग से फिर आपका ये स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर आपने ड्रिल बिट को क्लैंप किया हुआ है। तो बहुत सिंपल मशीन है, आपको इसका वर्किंग समझ में आ रहा होगा। और ये टेक्सटाइल के कुछ कंपोनेंट्स हैं टेक्सटाइल मिल के वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोनों लीवर को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, एक लीवर से आप आगे फीड दे रहे हैं। अब ये दूसरा प्रोसेस है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए ये वर्कपीस को क्लैंप कर दिया है और क्लैंप करने के बाद इसमें देखिए इस तरह से होल किया जा रहा है। यहाँ पर वर्टिकली वर्कपीस को क्लैंप किया गया और उस केस में वर्कपीस को हॉरिजॉन्टल क्लैंप किया गया था। तो उनके दोनों के फिक्सर भी आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है। ये निकाल लिया आपने और ये वर्कपीस को क्लैंप कर लिया और नीचे आप देख सकते हैं लीवर्स हैं। इन लीवर से आप इसको जो वर्कपीस है उसको कंटिन्यूसली फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से इसको मूव किया जा रहा है और ये मूवमेंट के लिए डिफरेंट पिनियन अरेंजमेंट टाइप का लगा हुआ है। ये काफ़ी पुरानी मशीन है। एक और ऑपरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे और आप देखिए फिक्सर सबके लिए अलग अलग बनाया गया। यहाँ पे होल ड्रिल किया जा रहा है दोनों एंड्स पे, मोटर से आप बेल्ट ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये देखिए अलग से इन्होंने फिक्सर बनाया है, इस फिक्सर से बेसिकली दोनों साइड में होल किए जा रहे हैं। देखिए
ये इस तरह से होल हो चुके हैं और आपका यही ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।